अगर उनको सेक्स भी करना है तो वो कॉफी पी के सेक्स करते थे और सेक्स के बाद उनको सिगरेट्स चाहिए ही. एंड दिस इज अ वेरी फेमस कोट ऑल्सो, स्मोकिंग सिगरेट्स आफ्टर सेक्स. कैफीन कट्स डिप्रेशन, पीरियड. यस, आई एम सीरियस गाइज. अगर आप सिर्फ एक या दो कप कॉफी भी पी रहे हो दिन में, सो यू आर पोटेंशियली हैप्पियर देन अ पर्सन जो कॉफी बिल्कुल भी नहीं पीता. अभी एक ब्लैक एंड व्हाइट स्टेटमेंट मैंने थोप तो दी है, पर एक्चुअली में दिस इज ट्रू. अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसने कभी कैफीन इंट्रोड्यूस ही नहीं करा अपने सिस्टम में, तो आप ये कैसे कह सकते हो दैट आई एम हैप्पियर देन अ पर्सन हु ड्रिंक्स कॉफी. बट द थिंग ओवर हियर इज कि क्या ये जरूरी है? जो लोग कैफीन पे होते हैं, जो लोग कैफीन लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो वो गारंटीड हैप्पी ही रहते हैं. वेल, दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि मोर इज लेस अप्रोच में जब बंदा घुस जाता है, देन कैफीन बिकम्स एन एनिमी. फिर उस केस में कैफीन डिप्रेशन को तो कट करता है, पर सिर्फ उतने टाइम के लिए जितने टाइम के लिए आप कैफीन को इंजेस्ट कर रहे हो. देन यू नीड मोर ऑफ इट, देन इट फक्स अप योर डाइजेशन एंड देन स्लीप एंड देन A1 A2 रिसेप्टर्स ऑफ द ब्रेन. तो सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में. आज की ये जो वीडियो है, मुझे नहीं पता इस पे रीच आएगी या नहीं, बट अब जो कंटेंट आने वाले मेरे चैनल पे, दैट्स गोना बी यूनिक. मेरे दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और वो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं. एज ऑलवेज, एकांश तनेजा चूजेस टू स्टे यूनिक. सारा का सारा कॉमन जो माल है वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, पर जो यूनिक इन्फॉर्मेशन है, यू विल फाइंड दैट ऑन माई चैनल, सो दैट आपको ये इन्फॉर्मेशन उस कॉमन माल के ऊपर जब मिले, सो यू कैन कंबाइन एवरीथिंग, द साइंस, द एप्लीकेशन, द थ्योरी एंड द थिंग्स दैट एकांश तनेजा टेल्स यू, थ्योरी कंबाइंड विद एप्लीकेशन, एंड यू कैन मेक योर ओन डिसीजंस. सो कैफीन कितनी डोसेज लेनी है आपको एब्सोल्युटली परफेक्ट इफेक्ट के लिए, कैसे साइकिल करना है कैफीन को और कैफीन के क्या नुकसान है, सब कुछ बताऊंगा. बट उससे पहले यू नीड टू नो दैट वॉट एक्चुअली कैफीन डज टू योर सिस्टम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैफीन इज नोन टू हैव सर्टन न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू इंक्रीज द रिलीज ऑफ न्यूरोमॉड्यूलेटर्स सच एज डोपामीन. हमारे हैप्पी हॉर्मोन का साइंटिफिक नेम है. जब भी हमें अच्छा फील हो रहा होता है, इन शॉर्ट, तो डोपामीन रिलीज हो रहा है, ये समझ जाओ. एंड कैफीन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैटेकोलोमाइन रिलीज. अब कैटेकोलोमाइंस क्या होते हैं? तो सिंपल भाषा में ये वो हॉर्मोन्स होते हैं जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड बनाता है. एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है? एड्रीनलिन रश, सुना है आपने? फीलिंग ओवरवेलम, फीलिंग अंडरवेलम. ओवरवेलम का मतलब कुछ ज्यादा ही खुशियां, और अंडरवेलम का मतलब कि कोई भी, मतलब बिल्कुल एनर्जी नहीं है, एंड आई एम जस्ट सिटिंग ओवर हियर, कि मेरे में ना जान है दुखी होने की, ना जान है खुश होने की. सो बहुत ज्यादा इमोशनल ड्राइव हो जाना, विच इज ओवरवेलमिंग एंड अंडरवेलमिंग, की बिल्कुल भी एनर्जी ना होना कुछ भी फील करने का. ये सारा कुछ जो है हमारा एड्रीनल ग्लैंड स्टिमुलेट करता है. इन कंजंक्शन डोपामीन, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, ये सारे के सारे जो चीजें हैं, ये मिलके हमारी अलर्टनेस, मोटिवेशन, हैप्पीनेस, सैडनेस, इन सारी फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो वही मैं आपको कह रहा था कि अगर कैफीन को हमने कंदी तरह यूज करा, और लाइक कैफीन इज जस्ट लाइक अ गन, अगर इररिस्पॉन्सिबली हमने उसे यूज किया, तो ये सारी की सारी चीजें उल्टी पड़ सकती हैं. सो हाउ टू यूज कैफीन प्रॉपरली टू एक्चुअली फील लाइक अ सुपर ह्यूमन, I'm going to tell that to you now. Long story short, I personally use caffeine as a tool. Not too much, not too less. Problem यहाँ पे अकर होती है जब बंदों को लगता है कि डाल दी जाओ, और alertness चाहिए, और सब कुछ चाहिए. So, just know this thing, there is a certain limit जहाँ पे आपकी body caffeine को absorb कर सकती है. जब वो आप limit reach कर लेते हो, then आपको caffeine crash हो जाता है. Just like, for example, अगर आप sugar की एक छोटी सी dosage लेते हो, and फिर आप workout करने चले जाते हो, so you feel pumped. पर अगर आप sugar की बहुत सारी dosage ले लो, तो insulin इतना ज्यादा spike कर जाएगा कि वो rapidly crash मारेगा और आपको सुरूर आ जाएगा खाने के बाद, और नींद आने लग जाएगी, एंड यू वोंट फील लाइक वर्किंग आउट, राइट? तो इसीलिए हर एक चीज को एक प्रॉपर डोसेज में लेना है. साइंटिफिकली प्रूवन डोसेज जो है कैफीन की, वो है 1-3 mg पर केजी. तो अगर आप 100 किलो के बंदे हो, तो आपकी मैक्सिमम डोसेज 300 mg होनी चाहिए. पर एक मॉडरेट जो एवरेज डोसेज है, जो सबके लिए काम करती है, हाईएस्ट बता रहा हूं, विच इज 200 mg. डू नॉट एक्सीड दैट. सिंपल स्टेपल रूल, नोट्स बना लो. एंड जस्ट टू लेट यू नो मैं कौन हूं, मैं आपको एडवाइसेस क्यों दे रहा हूँ. सो वेल, फॉर दैट यू कैन वॉच ऑल माई यूट्यूब वीडियोस, 300 से ऊपर डाल चुका हूँ. प्लस मैं आपको बता देता हूँ, माई नेम इज एकांश तनेजा. आई हैव पर्सनली लॉस्ट ओवर 37 kgs एंड आई हैव कोच्ड ओवर 5000 पीपल ग्लोबली. मेरी ट्रांसफॉर्मेशंस का सक्सेस रेट देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके स्टोरी हाईलाइट्स देख सकते हो. क्लाइंट्स की 28-29 स्टोरी हाईलाइट्स बन चुकी हैं, एंड रिजल्ट्स की जो 3 स्टोरी हाईलाइट्स हैं, उसके अंदर सारे क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स, क्लाइंट चेक-इन्स, क्लाइंट रिजल्ट्स हैं. एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू नो about my qualifications, you can go and see my certification story highlights on my Instagram. Instagram पे मेरा सब कुछ खुला पड़ा है.
और उसके बाद आप YouTube पे मेरी सारी वीडियोस देख सकते हो टू एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग दैट आई नो इन माय हेड। अब एक रियल बट डरावनी बात सुनो, आवर हार्ट हैज फाइनाइट अमाउंट्स ऑफ बीट। इसका मतलब हमारे हार्ट के पास एक लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ बीट्स हैं। जितनी बारी भी हम हार्ट को रेसअप करेंगे हार्ट बीट्स ज्यादा होंगी, लाइक हार्ट बीट की स्पीड बढ़ेगी तो आप एक मिनट में ज्यादा हार्ट बीट्स करोगे। तो उसका मतलब क्या है कि आपका जो लाइफ स्पैन है वो इन टर्न कम हो रहा है। अब ये एक वो बिल्कुल कोई ऐसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि अगर आप ज्यादा कॉफी पियोगे या फिर आप ज्यादा स्ट्रेस लोगे, आप ज्यादा वर्कआउट करोगे, ज्यादा स्प्रिंट मारोगे तो आप जल्दी मरोगे। बिकॉज आपको ये देखना कि बेस्ट बेट कहां पे है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू स्प्रिंट, तो स्प्रिंट से अगर आपकी हार्ट रेसअप भी हो रहा है तो आपके दूसरे एरियाज जो हैं बॉडी के, आपकी हेल्थ के, आपकी लाइफ के, वो इंप्रूव हो रहे हैं। सो इन टर्न यू आर वर्किंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर बॉडी, जिसकी वजह से इन टर्न अगर आप उस कॉस्ट पे कि आपका जो हार्ट है वो रेसअप हो रहा है, आप दूसरे पार्ट्स को इंप्रूव कर पाओ तो नेट बैलेंस जो है आपके लाइफ स्पैन का वो हिलेगा नहीं। तो अगर आपका हार्ट रेसअप हुआ और आपका लाइफ स्पैन कम हुआ पर आपने दूसरे इश्यूज को सॉल्व कर लिया तो वो वहां से आपका लाइफ स्पैन बढ़ गया, सो आप नेट बैलेंस पे हो। तो इतनी आपको कैलकुलेशन में नहीं जीना। इट इज जस्ट दैट आई एम टेलिंग दिस टू यू बिकॉज यू नीड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेसिंग आउट एंड टेकिंग समथिंग इन साइड योर बॉडी दैट रेसेज योर हार्ट अप, उसको आपने अवॉइड करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कैफीन रेसेज योर हार्ट, अब आपको उसको कितना लेना है, कैसे साइकिल करना है वो आपके ऊपर है। 2 to 3 weeks आपने अगर मैक्सिमम डोसेज भी ले ली 200 mg, और साइंटिफिकली अगर आप 300 mg पे भी चले गए, और अगर आप एक कैफीन जंकी हो, प्री वर्कआउट्स के 2-3 scoop लेके आप वर्कआउट करते हो, तो मेक श्योर दैट यू नीड टू गो कोल्ड टर्की एवरी 2 to 3 weeks। कोल्ड टर्की का मतलब है बिल्कुल बंद कर देना। अगर आप एक मैसिव डोज पे अपने हार्ट को रेसअप कर रहे हो, देन यू ऑल्सो नीड टू क्रिएट अ बैलेंस कि अच्छा अब 2-3 हफ्ते हो गए मुझे करते हुए, अब मैं 2-3 हफ्ते अपने हार्ट को बिल्कुल रेसअप नहीं होने दूंगा। पर उसके अंदर यू विल फेस विड्रॉवल इफेक्ट्स। विड्रॉवल इफेक्ट्स का मतलब होता है कि कोई भी स्टिमुलेंट या ड्रग जिसको अगर कोई ऐसी चीज जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती है, इंस्टेंट हैप्पीनेस देती है, इंस्टेंट एनर्जी देती है, कोई भी इंस्टेंट चीज जो बॉडी में होती है, अगर आप उसको एकदम से बंद कर दो तो बॉडी के जो अपने फंक्शंस हैं वो डिमिनिश हो चुके होते हैं। तो उसे वापस से रीस्टार्ट होने में बॉडी को टाइम लगता है, और बॉडी के लिए वो एक अनदर स्ट्रेसर है कि भाई ये जो एक्सटर्नल ड्राइव जो आ रही थी मेरे अंदर वो आनी एकदम से सप्लाई बंद हो गई। सो यू विल फील सुपर एंक्शियस एंड सुपर शिटी फॉर अ मोमेंट। हो सकता है उन 2 से 3 हफ्तों में से आपका एक हफ्ता ऐसा जाए कि आपको डायरिया हो गया, साइड इफेक्ट हो गया, नींद उड़ गई, बिल्कुल छटपटाने लग गया आप, या बिल्कुल एंग्जाइटी हो रही है, पड़े हुए हो, कुछ नहीं करने का मन कर रहा। बट जस्ट नो कि अगर आपको एक्चुअली में एक हेल्दी लाइफ जीनी है और आप एक जंकी हो कैफीन के, यहाँ पे कैफीन के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, देन ये तो आपको करना पड़ेगा, वरना फिर औकात में करो। 200 mg और 300 mg की डोसेज को क्रॉस मत करो। अगर आप इस डोसेज के अंदर रहते हो देन आपको कोल्ड टर्की जाने की कोई जरूरत नहीं है। टेक मी फॉर एन एग्जांपल, मैं 2018 मिड से ब्लैक कॉफी पी रहा हूं और डेली पी रहा हूं। शायद ही ऐसा कोई बीच में 1 या 2 हफ्ते हुए होंगे बैक इन 2020 जब मेरा IBS का ट्रीटमेंट चल रहा था कि मैंने छोड़ी होगी, वरना एवरी डे मैं कॉफी पी रहा हूं। मेरी टॉलरेंस को भी मैं रीच नहीं होने देता क्योंकि मैं अपनी जो डोसेज है उसे 200 से 250 mg को क्रॉस होने नहीं देता, और जब वो 200 से 250 mg बिल्कुल डिमिनिश होने लग जाता है देन आई मेक श्योर कि मैं उसको भी 100 से 150 mg कर दूं। तो कंप्लीटली ऑफ मैंने नहीं किया एंड आई एम यूजिंग कॉफी टू इट्स बेस्ट। आई एम अ लिविंग एग्जांपल। मैंने पूरा बिजनेस खड़ा कर दिया यार कॉफी के बलबूते पे। तो मेरा दिमाग तो भाई बहुत तगड़ा चलता है, और मुझे ये भी पता है कि कॉफी के साइड इफेक्ट्स और बुरी डेंजरस इफेक्ट्स क्या हैं। पर मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि भाई कॉफी पियो ही मत, कॉफी इज जस्ट अ बैड थिंग एंड आई एम जस्ट एडिक्टेड टू इट, तो मैं तो पीता हूं आप मत पियो, बिकॉज आई एम वेल एजुकेटेड। अगर आपको कोई भी बंदा ऐसा कुछ बोलता है कि भाई कॉफी ऐसी है, कॉफी वैसी है, कैफीन से ये हो जाता है, वो हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, तो छोड़ी दो, जस्ट नो दैट पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ दिस टॉपिक। किसी भी चीज को एब्सोल्युटली जस्ट ऑलवेज वाली जो मेंटालिटी है कि जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट ऑल द टाइम, कभी भी नहीं लेनी, दैट्स रॉन्ग। यू नीड टू मेक अ डिसीजन by actually gaining knowledge on that topic, that's how I function. Now, what is adenosine? Adenosine builds up in our brain, जो हमें sleep pressure create करता है. So right from the moment we wake up, जैसे ही हम उठे हैं, हमारा adenosine buildup होना शुरू हो जाता है brain के अंदर. तो जितना ज़्यादा adenosine buildup होगा, उतना ज़्यादा हम sleepy और relaxed feel करेंगे. अब caffeine का काम क्या होता है? एडीनोसाइन को ब्लॉक करना। सो दिस इज द ओनली रीजन कि जो लोग सुबह उठते ही बहुत स्ट्रॉन्ग डोसेज ऑफ कैफीन लेते हैं उनको मिड डे क्रैश हो जाता है, आफ्टरनून मिड डे ब्लूज कहते हैं ना, जैसे कि भाई दोपहर हो गई और बिल्कुल ही बहुत तगड़ी नींद आ गई। तो ऐसा क्यों होता है? अब एडीनोसाइन का काम है हमें स्लीप प्रेशर क्रिएट करना। हमने बहुत ज्यादा कैफीन अंदर डाल दिया जिसकी वजह से सारा एडीनोसाइन ब्लॉक हो गया, सारा का सारा। अब हुआ क्या, जैसे ही कैफीन का असर खत्म हुआ, क्योंकि जितनी ज्यादा डोसेज आप लोगे उतनी जल्दी कैफीन आपका डिप्लीट होगा एंड यू विल नीड मोर ऑफ इट। तो जैसे ही कैफीन डिप्लीट
हुआ, बॉडी को सिग्नल मिला कि भाई एडिनोसाइन जो ब्लॉक्ड था वो सारा का सारा हमने कॉम्पनसेट करना है, क्योंकि एक स्पेसिफिक अमाउंट बॉडी को एडिनोसाइन हमारे ब्रेन को भेजना ही है, तो वो सारा का सारा फ्लड आ जाएगा एक तरह से, और आपका ब्रेन बिल्कुल एकदम इतना ज्यादा एडिनोसाइन से भर जाएगा दैट यू विल जस्ट फील लाइक क्रैश्ड, यू विल फील लाइक कि बस खत्म हो गया, क्योंकि ब्रेन को इतना सारा स्लीप प्रेशर एक बारी में मिल गया। और यही रीजन है कि बहुत सारे लोग रात को कॉफी पी के भी सो पाते हैं, बिकॉज उनकी टॉलरेंस इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि वो रात को कॉफी पीते हैं उनका एडिनोसाइन ब्लॉक ही नहीं होता, और वो पूरे दिन अपने एडिनोसाइन को ब्लॉक करते 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 रात हो जाती है, और रात को उनकी टॉलरेंस रीच हो चुकी होती है, और जैसे ही वो कॉफी पीते हैं जल्दी से उनके दिमाग से वो कैफीन निकल जाता है, जिसकी वजह से उनका एडिनोसाइन फ्लड आ जाता है एंड दे आर एबल टू स्लीप इवन आफ्टर हैविंग कॉफी एट नाइट। बट डज दैट मीन कि उनकी स्लीप मेस्ड अप नहीं है? हेल नो। कैफीन की हाफ लाइफ होती है 6 घंटे, व्हिच मींस कैफीन स्टेज इन योर ब्लड स्ट्रीम फॉर 12 आवर्स एट लीस्ट। तो अगर आपने रात को 8 बजे कॉफी पी है तो ये जान लो कि वो जो कैफीन आपको मिला है, जितना भी 70, 100, 150 mg कैफीन जो भी कॉफी से आपको मिला है, वो सुबह के 8 बजे तक आपके ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा है। सो दैट डिपेंड्स कि अपने सोने से कितने घंटे पहले कितना कैफीन लिया है। तो इसीलिए मेरा थंब रूल ये रहता है, अगर मैं अपने किसी क्लाइंट को एडवाइस करना चाहूँ, कि भाई 7 से 8 घंटे पहले ले लो जो भी तुम्हें कॉफ़ी वॉफी पीनी है। उसके बाद अगर तुम्हारा ऐसा कुछ हो जाता है कि यार रात को 7-8 बजे वर्कआउट का कुछ सिनेरियो बन रहा है या फिर कोई वर्क स्प्रिंट आने वाला है एंड यू डायरली नीड कॉफी, जस्ट गो फॉर अ स्मॉल ग्लास ऑफ कॉफी जिससे आपको 60 से 70 mg कैफीन मिल जाए, बिकॉज दैट्स नॉट मच। अगर वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में घूम भी रहा है तो थोड़ी बहुत स्लीप मेसअप होगी, पर इतना नुकसान नहीं होगा जितना अगर आपकी भाई प्री वर्कआउट का स्कूप ले रहे हो रात को 8 बजे। सो यू माइट बी एबल टू स्लीप, बट आपको डीप स्लीप में दिक्कत होगी। स्लीप आर्किटेक्चर के बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, पर अभी इन शॉर्ट ये समझो कि स्लीप का एक पूरा का पूरा आर्किटेक्चर होता है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, REM एंड NREM। तो जब हम डीप स्लीप में जाते हैं और स्लीप आर्किटेक्चर में NREM स्लीप के स्टेज 3 पे आपकी डीप स्लीप एक्टिवेट हो जाती है, जहां पे आपकी बॉडी बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाती है, आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, ब्रेन काम करना बिल्कुल कम कर देता है, और उस टाइम पे आपका उठना मुश्किल हो जाता है चाहे कोई शोर भी मचा रहा हो, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है, एंड आफ्टर दैट द REM स्लीप अकर्स। तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। द थिंग इज कि अगर आपकी ब्लड स्ट्रीम में बहुत सारा कैफीन घूम रहा है, इट माइट अफेक्ट एंड इट ऑब्वियसली विल, बट यू माइट नॉट बी एबल टू सेंस इट, कि आपकी जो NREM स्टेज 3 और REM स्लीप है, विच इज द डीप स्लीप, जो आपका डीप स्लीप स्टेज है, वो अफेक्ट होगा। और अगर वो अफेक्ट हो गया सो ऑब्वियसली आपका जी लिम्फैटिक सिस्टम क्लियरेंस नहीं होगा, एडिनोसाइन क्लियरेंस नहीं होगा ढंग से, और सुबह आप एक ग्रॉगी माइंडसेट और एक हैवी हेडेड स्टेट में उठोगे, और आपकी मसल्स भी रिकवर नहीं हुई होंगी, आपकी सारी की सारी डाइजेशन मेस्ड अप हो चुकी होगी। तो इसलिए वो धीरे धीरे ओवर टाइम होगा, इट्स लाइक स्लो पॉइजनिंग। सो सिंपल रूल शुड बी, अभी तक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, 1 to 3 mg/kg शुड बी द डोसेज, देन अवॉइड कैफीन 8 आवर्स बिफोर योर स्लीपिंग टाइम, एंड इफ यू कैन नॉट जस्ट डू नॉट एक्सीड अ डोसेज ऑफ 100 mg लेटर इन द डे। एंड ऑल्सो अगर आप शाम को वर्कआउट करते हो और उसके लिए आप 60-70 mg कैफीन ले रहे हो और वो पर्पस आपका लेने का, तो लेट मी टेल यू कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज एक्सरसाइज बिल्ड्स अप एडिनोसाइन। तो राइट फ्रॉम द मोमेंट वी वेक अप हमारा जो ब्रेन है वो एडिनोसाइन बिल्डअप करना शुरू कर चुका होता है। एवरी एक्टिविटी दैट वी डू, एवरी डिसकंफर्ट दैट वी गिव टू आवर ब्रेन, दैट बिल्ड्स अप एडिनोसाइन। तो एक्सरसाइज बिल्ड्स अप एडिनोसाइन, इन टर्न इट विल हेल्प यू रिलीज मोर मेलेटोनिन हार्मोन, जो नाइट टाइम हार्मोन होता है, विच हेल्प्स यू फॉल अस्लीप। इसलिए अगर आपको थोड़ा बहुत कैफीन एक्सरसाइज करने के लिए लेना पड़ रहा है और उसके बाद आप बहुत सारी एक्सरसाइज तोड़ो एक्सरसाइज करने वाले हो, सो जस्ट नो दैट इट कैन एब्सोल्युटली नेगेट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कैफीन ऑन योर स्लीप। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। इसलिए मेरा वैसे जनरल वर्कआउट टाइम रात को ही रहता है, लाइक मैं 7-8 बजे वर्कआउट करता हूँ और मैं रात के 1-2 बजे सोता हूँ, तो उस टाइम तक मैं बहुत रिलैक्स हो चुका होता हूँ एक्सरसाइज के स्ट्रेस से भी, कैफीन के स्ट्रेस से भी। सो दिस इज समथिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर दैट यू कैन बिल्ड फॉर योर सेल्फ बाई टॉकिंग टू एन एक्सपर्ट और एब्सोल्युटली एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई वीडियोज एंड बिल्डिंग समथिंग फॉर योर सेल्फ। एक और पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, कैफीन इज अ वैसो कंस्ट्रिक्टर, इसका मतलब वो आपके ब्लड फ्लो को थोड़ा डिग्रेड कर देता है, सो आपका जो न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन है उसको भी वो मेस अप करता है। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो अपने मील के साथ ब्लैक कॉफी पीता है या जनरली कोल्ड कॉफी भी पीता है, जस्ट नो दैट यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन, और न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन आपकी हिंडर होगी ही होगी अगर आप मील के साथ कैफीन ले रहे हो। सो बेस्ट टाइम टू हैव कॉफी इज व्हेन यू वेक अप एम्प्टी स्टमक। मैं किसी को एडवाइस नहीं करता, पर मैं खुद पिछले 3-4 साल से एम्प्टी स्टमक ही ले रहा हूं एंड ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। आई नो साइंटिफिकली प्रूवन है और स्टडीज भी हो रखी है कि अगर आप एम्प्टी स्टमक कैफीन लेते हो तो आपकी इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन को डैमेज कर सकता है, बट मेरी नहीं हुई। और एनेक्डोटली स्पीकिंग,
मेरे सारे के सारे क्लाइंट्स, लाइक हार्डली एक दो क्लाइंट्स होंगे जो नहीं लेते, बाकी सारे क्लाइंट्स लाइक 5,000 से ऊपर लोग ले चुके हैं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, एम्प्टी स्टमक कैफीन पिछले 2-3 सालों से, एंड उनको कुछ नहीं हुआ है, प्रोवाइडेड मॉडरेशन में और औकात में उन्होंने अपनी डोसेज रखी है. सो अगेन, नंबर 1, डू नॉट एक्सीड 200 mg डोसेज ऑफ कैफीन. नंबर 2, 8 hours before your bedtime, you should stop. And if you cannot, just know that you're gonna mess up your sleep. Or degree of messing up the sleep depends on whether you're exercising after taking that caffeine dosage or not. Plus, if you are exceeding 100 mg of dosage later in the day, वो maximum dosage होनी चाहिए. अब caffeine के नुकसान क्या है अगर आप exceed कर देते हो dosage को? ये सबको पता है, पर मैं फिर भी बता देता हूँ. It can mess up your digestion. पूरी की पूरी तरह आपकी पूरी की पूरी गट को वो बिगाड़ सकता है. उसके अंदर का जो सारा flora and fauna है, उसको सारा का सारा गट माइक्रोबायोम को तोड़ सकता है वो. एंड आपको IBS जैसी दिक्कत हो सकती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कि अगर आप कुछ भी खाओ वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, यू आर ऑलवेज ब्लोटेड, यू नीड कैफीन टू पूप, देन इट कैन मेक यू एन एंग्शियस पर्सन. जिस चीज़ के लिए आपने कैफीन शुरू किया था, हो सकता है वो चीज़ होना और उसका उल्टा हो जाए और आप एक बेकार नल्ले डम्ब इंसान बन जाओ. यस, इफ यू जस्ट डिपेंड ऑन कैफीन फॉर ऑल योर प्रोडक्टिव टास्क, सो हो सकता है आपको स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो जाए, कि मैं कॉफी पीता तो मैं कोई और बंदा बन जाता हूँ और कॉफी के बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता. अगर मैं कहीं पे हूँ और वहाँ पे कॉफी अवेलेबल नहीं है तो आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर सकता. इवन योर लिबिडो कैन ड्रॉप, विच इज योर सेक्स लाइफ कैन गेट डिस्ट्रॉयड. आई हैव डेल्ट विद सच केसेज इन द पास्ट, जिनको इतनी ज्यादा स्मोकिंग और कैफीन की आदत पड़ गई थी, अगर उनको सेक्स भी करना है तो वो कॉफी पी के सेक्स करते थे और सेक्स के बाद उनको सिगरेट्स चाहिए. एंड दिस इज अ वेरी फेमस कोट ऑल्सो, स्मोकिंग सिगरेट्स आफ्टर सेक्स, बट दैट्स कंप्लीट बुलशिट. इफ यू आर लेटिंग योर सिस्टम डिपेंड ऑन स्टिमुलेंट्स फॉर एवरीथिंग, एवरी नेचुरल टास्क ऑफ योर बॉडी, देन यू आर नो मोर अ ह्यूमन, और आप एक रोबो बन के रह जाओगे. और अगर आप ओके हो रोबो बनने के लिए और आप मेडिकेशन पर जीना चाहते हो पूरी लाइफ, और आप बस और 10-15 साल जी के मरना चाहते हो और एक शिटी लाइफ जीना चाहते हो, देन यू कैन लेट योर ब्रेन शट डाउन, और आप उसको बोल सकते हो कि कोई बात नहीं, तो डिपेंड हो जा सारे के सारे स्टिमुलेंट्स और मेडिसिन्स पे. बट व्हाई डू यू वांट टू डू दिस डिसर्विस टू योरसेल्फ, दैट इज द क्वेश्चन. तो अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, मैं और ऐसा साइंटिफिक और थियोरेटिकल कॉन्टेंट भी आपके लिए बनाऊंगा कंबाइंड विद एप्लीकेशन. क्योंकि यार इतनी पढ़ाई कर ली है मैंने, प्लस इतने सारे लोगों को मैं कोच कर चुका हूं, और इतना ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है इस इंडस्ट्री में, दैट आई एक्चुअली वॉन्ट टू teach you guys. I am entering into that teacher mode now. So if you feel ki aapko is information se help hoti hai, only then will I create such type of content. Let me know, like this video and share this with somebody you feel jisko isse benefit hoga. I love you all. Bye guys. Take care.